ये फिशिंग रॉड इंडिया का नहीं ना भाई। तो यहाँ पे देखो नए नए बॉटल्स भी दिख रहे हैं। उसने अगर टूचुक टूचुक ये देखो भाई क्या बात है भाई। आई आई वो देखो 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 मेहनत का फल। ऐसे हम ढूंढते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्यों ढूंढ रहे आपको पता चलेगा अभी हमारे ब्लॉग में। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप्स आप सब ठीक हो, हेल्दी वेल्दी, मतलब एक नंबर क्लास। तो भाई लोग खुशी आपके पास नहीं आएंगी, कभी कभी खुशियों के पास आपको जाना पड़ेगा। तो जैसे मैं पंजाब वंजाब घूम के आने के बाद भाई नागपुर में फिर हम मिले हमारे दोस्तों से और सोचा कि चलो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। आधी ड्यूटी मार के मैं जा रहा हूँ फिशिंग के लिए। फिशिंग ओई ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कौन सा स्पॉट। बट मैं सोच रहा था कि यार कुछ होना इंटरेस्टिंग, तो फिर हम अभी यहाँ पे ढूंढ रहे हैं अर्थवॉर्म ताकि हमें फिश का चारा मिल सके। तो फिश का चारा होता है अर्थवॉर्म और हम यहाँ पे अभी फिलहाल अर्थवॉर्म ढूंढ रहे हैं इस एरिया में। और हम चार पांच जन आज करने वाले हैं फिशिंग। देख सकते हो अर्थवॉर्म ऐसे बड़े बड़े, क्या बात है। भैया को अच्छा एक्सपीरियंस है फिशिंग का, ये वन ऑफ द मतलब बोल सकते हैं हम फिशिंग के कंपटीशन में फर्स्ट आ सकते हैं। है ना भैया, इतने साल उन्होंने 500 किलो की फिश पकड़ी है। हाँ 500 किलो 500 किलो बहुत ज्यादा बताया। बहुत एक्साइटेड भाई, बहुत एक्साइटेड, मतलब खुशी भाई खुशी, बताओ क्या बताऊँ आपको। फाइनली हम पहुंच गए हमारे पुराने स्पॉट पे। हम वहीं पे आए हैं जो हमने पिछले बार एक फिशिंग का ब्लॉग आपने देखा होगा नागपुर का। तो यहाँ पे देखो एक नए नए बॉटल्स भी दिख रहे हैं। ये हमारे तो नहीं भाई, कौन है ये, ऐसे पीते वीते भाई लोग यार, ड्रिंक विंक करते और कचरा इधर ही करते। और यहाँ का माहौल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। तो मेरा बोलना एक ही है भाई लोग, देखो घूमना हो गया या एंजॉयमेंट करना हो गया, इसके लिए पैसा नहीं लगता, इसके लिए लगता है समय, टाइम। कांच वगैरह है भाई, इधर आराम से चलना, लॉक कर दे गाड़ी मेरी। तो मुझे एक ही बात कहना है कि पैसा नहीं लगता भाई किसी चीज के लिए, आपको सिर्फ लगता है आपका समय है। और आपका समय आप निकालोगे तो फिर एंजॉय कर पाओगे। मैं भी समय निकालता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत ही समय रहता है भाई। मैं अभी ड्यूटी मार के मतलब ड्यूटी करके एंजॉय भी करने आ गया, क्योंकि अपने को दिन वेस्ट नहीं करना है। तो मेरा भाई शहनशाह आज फ्लाइट उसकी 12 बजे पुणे जाने वाला है, फिर भी वो एंजॉय करने आया। उसको मुझे लग रहा है कि नहीं भाई मेरे को भी आना है, मेरे को भी एंजॉय करना है। उसकी मीटिंग है कोई, कितना झूठ बोलेगा वो मजनू। झूठ नहीं बोला, लाया गया हूँ मैं। एक्चुअली हमारे पास ड्राइवर नहीं था कोई, तो हमने इसको पकड़े भी। ऐसा ना जब हम फ्री रहते तो वो बिजी रहता, और वो बिजी रहता तो हम फ्री रहते, ऐसा विषय है। बट अपने को क्या समय निकालना पड़ता। वो ज्यादा तीनों देखो कैसे एक्साइटेड है, इनको इधर से मच्छी दिख रही लगता है। तब जाके मैं पकड़ूंगा भाई छड़ी ना, वो बना के देता ना छड़ी। सो ये है हमारा फिशिंग का स्पॉट। पानी काफी गंदा दिख रहा है यार, बट फिशेस साफ रहेंगे शायद। यहाँ पे अपन बैठेंगे और फिर करेंगे फिशिंग। ये देखो फिशिंग रॉड, ये फिशिंग रॉड इंडिया का नहीं ना भाई। हाँ ये इंडिया का सही में नहीं है, देखो आप देख सकते हो बहुत अच्छा फिश। और सबसे जो ब्रांडेड फिशिंग रॉड है इसके पास है, कहाँ है तेरा फिशिंग रॉड। हाँ ये देखो ये कहाँ से मंगाया तूने, यही से मंगाया, इसका अभी भी यही पे था फिशिंग रॉड। इसके लिए टेक्निक लगता है, नॉलेज लगता है, एजुकेशन लगता है। छोटा भाई छोटा ही है, छोटा है। अरे बाप रे, फिशिंग रॉड बहुत पसंद है भाई मेरे को, एक बार सीख गया ना मैं भी ले लूंगा एक। तेरे हवाले कर दिया भाई, दुबई का क्या लिखा है उस पे, लेकोस्टी लीकोस्ट लीकोस्ट नहीं है ना, लीकोस्ट का भाई। कितने का है वो चश्मा, वो मत पूछ, जानते 300 रुपए वाला होगा। भाई अभी देखो फिश मिलती है अपने को, मेरे बाबा रे बाबा रे। सो वहां पे हमने डाल दिए है अभी हमारा काटा, अभी देखते हैं फिशिंग का क्या मजा आता है। ये छोटी वाली छड़ी में ना ये सब फेंकने में बहुत तैयार है ज्यादा। वहाँ पे है हमारा काटा और उसने अगर टुचुक टुचुक किया तो समझो मच्छी आई। बहुत शांत रहना पड़ता फिशिंग के लिए। यहाँ पे यार पता नहीं उस दिन मिल गई थी छोटी सी फिश, बट अभी तो फिश नहीं दिख रही। आके लोग तो बोल रहे थे कि आपको बहुत अच्छे बड़े बड़े फिश मिल जाएंगे, बट मुझे तो मुश्किल लग रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं कोई अलग स्पॉट पे। एक भैया को फोन किया, वो बोले आ जाओ, तो अभी देखते हैं हम वहाँ पे मिलेंगे क्या फिश हमें, वहाँ मिल जाएंगे ना। यस नहीं तो मैगी तो खा के आएंगे पक्के भाई, कुछ ना कुछ तो पकाएंगे अपन ने, क्योंकि गैस वगैरह सब पोर्टेबल अपन ने लेके आए अपने बैग में। बट भाई एंजॉय करने का, चाहे मिलो फिश नहीं मिलो, लेने की जरूरत नहीं, उनके घर में दुकान है अपने को। ये हमारे बहुत बड़े बड़े फिशर्स है दोस्तों, बहुत बड़े बड़े फिशर्स। अब इनको फिश नहीं मिल रहे तो फिर मतलब ही नहीं आता। मैदान आहे ना, कैमरा फेमस होने से डर लगता तेरे को नहीं? फिर
खाना नहीं है ना, बाल नहीं है ना। तो अभी हम आ गए स्पॉट पे, अभी इसके पापा लेके जाने वाले हमारे को स्पॉट दिखाने के लिए, जहाँ पे हम फिशिंग कर सकते हैं ना भाई। तेरे पापा पकड़ देना, क्या पकड़ते, इतना खतरनाक होने वाला है, क्या पकड़ते, फिश पकड़ते, फिश पकड़ते, देखो तो अभी हम फिशिंग करने, बड़े बड़े फिशेस है क्या, पता नहीं तेरी इतनी है, बड़ी हो गया। इसके पापा आ रहे वहां से, और ये हमारे सब फिशर्स बहुत एक्सपीरियंस फिशर्स है, एक भी मच्छी पकड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। ये तो पुणे से आता फिशिंग करने इधर। तो ये है हमारा फिशिंग का अगला स्पॉट। तो अभी यहाँ पे फिश है क्या बट भैया? है ना, मिल जाएंगी, मिल जाएंगे, अभी देखो ट्राई करके, क्योंकि मैं महीना हो गया। अच्छा, मैं इधर आया नहीं, एक आधा महीना हो गया, मतलब फिश तो होंगी फिर। और हमने फिर मैगी का भी जुगाड़ किया। सुबह आते थे ना ये लोग, तो रोटी वगैरह डालते थे, पूरी आती थी ऊपर, आती थी मतलब होगी। तो गाइस होप्स अभी यहाँ फिश मिलेंगे हमें। भाई फिश मिलो नहीं मिलो, मैगी तो खा के अपन, भाई मैगी तो खा के जाएंगे। अतुल जा ना देते, खाली उतरायचं, खाली उतरायचं। सो ये है अपना पोर्टेबल गैस, इनको ना फिशिंग करते नहीं आती यार। अभी दो चार फिश लग के गई अपने कांटे को, अभी वो देख ना सच में, अमित दादे देख पूरा नीचे लेके गया था। इसमें क्या डालोगे? इसमें हम डालेंगे अभी मैगी। अरे बाप रे, खड़ा मसाला भी नान ला भाऊ, पेशेंस से कर रहा है फिशिंग, एक भी फिश नहीं पकड़ी पिछले दो घंटे से। फाइनली 10 किलो की मिल गई हमको। ये देखो भाई, सूरज भाई की जय हो, सूरज भाई की जय हो। भाई मैगी कैंसल, यहाँ पे हमने मैगी सर्व कर लिया, फिश मिल गई, बहुत मतलब बहुत भारी समय जा रहा भाई। इसलिए ना खुशियाँ ना आपके पास आ जाती है अगर आप खुशियों की खोज में हो तो। यहाँ पे भाई ने शेंशा टेस्ट बता भाई कैसी। अरे भाई कैमरा देख रहे कितने सस्ते में हम इतनी खुशी आप दिख रहे हैं ना, आप भी देख सकते हो, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ या दोस्त नहीं भी रहे ना अकेले भी आप एंजॉय कर सकते हो। तो भाई ने मैगी बनाया इसलिए थैंक यू सो मच भाई को, और ये भाई के वजह से बनी क्योंकि भाई को और मैगी होना था। बोला ना इससे भी टेस्टी रहेंगी, खड़ा मसाला है भाई इसमें भी। मच्छी मिली रे भाई, और एक मच्छी मिली, और एक मच्छी, बाप रे बाप, बात बोला ना मैंने, काय पे लगेंगी, सही भाई, मान भाई कितनी किलो की होंगी, आधा किलो, आधा किलो, क्या बात है भाई। अरे अरे चलता चलता, बढ़िया है बढ़िया है, अरे बाप रे, अरे भाई ये जो फिशिंग स्पॉट है ना बहुत प्यारा लगा हमारे को, इतने बड़े बड़े मच्छी, आधा आधा किलो की तो फिशेस मिल रही है। इसका सारा श्रेय मेरे को जाता है जब मैंने बोला कि क्या ये, ओ देखो 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 देखो, अरे बाप रे, सक्सेस। अभी हम सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए थे, चलो मिलेंगे नहीं मिलेंगे आपको तो पता है ना, पहले से व्लॉग देख रहे हो तो वहाँ पे फिश ही नहीं मिल रही थी, बट यहाँ पे हमारे को भैया ने बुलाया, भैया बोले यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मिलेंगी फिश, और फिर ये बच्चा अपने बहुत सपोर्ट कर रहा है फिशिंग के, और बहुत मजा आ रही है, मतलब बहुत मजा आ रही है। वहाँ पे देखो आप भैंस गाय सब जा रहे हैं, और ये जो समय है ना भाई हमारे भारत का, इट इज रियली वेरी ऑसम, मतलब एक नंबर लगता है अपने को। तो फाइनली भी हम जा रहे हैं, काफी अंधेरा हो गया है, फिशिंग भी बहुत मजा है, बनाएंगे हम कई और स्पॉट पे, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा काफी है ना भाई। यस, मजा आएगा, फुल टू एंजॉय, फुल टू एंजॉय विदाउट एनी पैसा भाई। यहाँ पे हो रहा है फ्राई, मेहनत का फल, मेहनत का फल, मिठाई, हाँ हाँ हाँ, बहुत टेस्टी है मेहनत का फल। सो गाइस फाइनली घर पे आ गए हैं, और ये ब्लॉग बनाने का सिर्फ एक ही मतलब था कि भाई पैसा नहीं लगता है एंजॉय करने को, एंजॉय करने को लगता है सिर्फ समय और अच्छे फ्रेंड्स जो कि अपने पास है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे फ्रेंड बनाओ जो आपके काम आए, और आपको ये साफ करता हूँ कैमरा, और आपको साथ दे पूरी जिंदगी भर। सो भाई पैसा नहीं लगता, निकलो बाहर, दुनिया देखो, एंजॉय करो, और अपने दिन को बनाओ। तो मिलते जल्दी, पता नहीं कहाँ बट मिलेंगे जरूर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।